हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे लाइफ में, खुद को पॉजिटिव रख रहे होंगे, खुद को ग्राउंडेड कर रहे होंगे, लाइफ को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आए हैं और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर का कैंडल पिक किया हुआ है। इसमें ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर होता है और इस कैंडल की रीडिंग से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, ट्रूली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या इमोशंस हैं। तो चेक करेंगे यहाँ पर, और लव मैसेजेस भी हैं जो हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल का हाल क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल के क्या हालात हैं अभी। फ्रेंड्स, आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये रीडिंग जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। टाइमलेस रीडिंग है ये रीडिंग, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी जोडियक साइन के लिए है, सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के लिए ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में ये रहता है कि मैम सभी के लिए ये रीडिंग कैसे हो सकती है, सभी जोडियक साइन के लिए कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में ही सभी व्यक्तियों का जीवन सिमटा हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको अगर कोई पर्सन मिलेगा तो इन्हीं 12 राशियों में से नाम वाला मिलेगा। अब आप कहेंगे मैम लोग तो बहुत हैं, आबादी बहुत है, लेकिन ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब एनर्जेटिक लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर के हाल दिल क्या हैं इस वक्त, देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपकी मेमोरीज चल रही हैं, आपकी जो छोटे छोटे लम्हे उनके साथ गुजरे हैं, आपने जो छोटी छोटी सी बातें की हैं उनके साथ, वक्त बेवक्त का आपका एक दूसरे के साथ मिलना, कभी घंटों बातें करना तो कभी बिल्कुल भी ना करना, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लम्हात आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छे गुजरे हैं, जो आप दोनों की यादें बहुत अच्छी गुजरी हैं, उनके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर ये मून बना हुआ है, ये मून आपको दिख रहा हो शायद। आप दोनों ने कुछ वक्त अपना मूनलाइट में गुजारा है, या फिर उस वक्त आप कहीं घूमने गए थे, या आपने एक दूसरे को कॉल किया और एक दूसरे से कहा कि मैं मून को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और आप दोनों ने मून की रोशनी में बातें की एक दूसरे से। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों ने मून लाइट में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत देर तक बातें की हैं। तो वो जो क्षण आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील हो रही है उनको आपसे मिलने की। आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आप उनकी वो कीमती चीज़ हो जिसे वो अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं हमेशा। दुनिया में आपसे ज़्यादा उनको कीमती अब कोई भी नहीं लग रहा है। इस वक्त उनको ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हो। बेशक उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया,
आपने उनको जब कॉल मैसेज किया, आपने उनको अपनी फीलिंग्स बताई, तो उस पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या फिर आपकी फीलिंग्स को बहुत लाइटली लिया, जबकि आप इस बात को देखकर हैरान थे कि आपने अपना दिल खोलकर रख दिया इस पर्सन के आगे, आपने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, लेकिन ये पार्टनर उनको इतना लाइटली ले रहा है जैसे कि एक नॉर्मल थिंग। तो उस वक्त आपको जो फील हुआ, आपको जो दर्द हुआ, उस दर्द की वो फीलिंग आज उनको हो रही है। जब वो आपसे दूर हैं, उनको कोई इस तरीके से प्यार करने वाला नहीं है, उनको इस तरीके से कोई पैम्पर करने वाला नहीं है, कोई उनके नाज नखरे उठाने वाला नहीं है, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान कितना भी बड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाए, कितना भी ज़्यादा पैसा कमाने लगे, कितना भी ज़्यादा वेल्दी हो जाए, दिल उसके अंदर रहता है, और अगर दिल है उसके अंदर तो उसमें इमोशंस भी रहेंगे। बेशक दुनिया के सामने खूब दिखावा कर ले कि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, लोगों के बीच खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये अंदर से बहुत खाली है इंसान, बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में इन फीलिंग्स को नहीं समझा, इनकी गहराई को नहीं समझा, और आपने समझाने की बहुत कोशिशें की, बहुत जी तोड़ मेहनत की आपने इस पार्टनर को ये बताने की कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तो आज इनको वो सारी बातें आपकी रह रह कर याद आ रही हैं, और ये इनके साथ आज से नहीं है, इनके साथ ये पूरे 1 वीक से चल रहा है। जब से ये फुल मून निकला है, पिंक मून निकला है, तब से इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर जो इनका मन है, वो कहीं ना कहीं आपकी ओर बार बार भाग रहा है। और ये जो हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स किसी के साथ भी गलत नहीं होने दे सकती है। यूनिवर्स वो सारी चीज़ें देख रही थी जो एक वक्त में आप उनके लिए कर रहे थे, जितने एफर्ट्स आप उनके लिए लगा रहे थे वो सब यूनिवर्स ने देखा है, मदर गाया ने देखा है। तो जो चीज़ें आपके आसपास की एनर्जीज देख रही हैं, जो महसूस कर रही हैं, आपके एंजल्स, आपके आर्केंजल्स, जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उनको तो आपके लिए पेन होता है ना। वो तो देख रहे हैं कि आप अपनी ओर से 100% लॉयल हो, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक वक्त के लिए छोड़ दी जाती हैं। आफ्टर सम टाइम ऐसा भी वक्त आएगा जब इसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और वही आजकल वक्त चल रहा है कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ पर मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे वो चेन दिख रही है जो वो आपके लिए सोचते हैं, और जो उनके थॉट पैटर्न की एक चेन बनती है वो फिर चलती जाती है, एक से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी, और तीसरे से चौथी कड़ी कब जुड़ जाती है उनको पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, मतलब पास्ट की बहुत सारी बातें बार बार उनको याद आ रही हैं। आप लोगों के बीच में कुछ डिलेज चल रहे हैं फ्रेंड्स, और ये डिलेज इसलिए यूनिवर्स करवा रही है कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आए, इनको इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आए, क्योंकि मदर गाया पर यूनिवर्स चाहती है कि मदर गाया पर प्योर लव हो, ना कि लस्टफुल लव हो, ना कि एक दूसरे के साथ चीटिंग हो, बैड बिहेवियर हो, एक दूसरे को मैनिपुलेट करें, ये नहीं चाहती मदर गाया। क्योंकि प्योर लव से, प्योर लव की एनर्जी से मदर गाया की एनर्जी वाइब्रेंट होती है, वो हील होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो जोड़े हैं, कपल हैं, लवर्स हैं, लवर्स हैं, वो इसीलिए तो आते हैं पृथ्वी पर कि वो मदर अर्थ को हील कर सकें, मदर गाया को हील कर सकें।
लेकिन कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारा यहाँ पर काम क्या है। वो सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में रहते हैं। उनको ये लगता है कि पैसा वो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पैसे को कमा के रख लीजिएगा और आप प्यार खरीद लीजिएगा। आपको अगर सच्चा प्यार मिल सकता है तो बेशक आप खरीद लें। फिर यहाँ पर भी देखिए एक दिल बन के आ रहा है, आपको शायद दिख रहा हो फ्रेंड्स। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है फ्रेंड्स, सुनिएगा ज़रूर से। दर्दी दिल दर्दी जिगर दिल में जगाया आपने। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर आपको पास्ट में सिर्फ मजाक मस्ती के लिए आपसे बातें करते हों, सीरियस ना हो ये आपके साथ। इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की हो आपके साथ, आपको बहुत लाइट लिया हो, आपकी फीलिंग्स को बहुत लाइट लिया हो। कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं। ये आपकी याद में तरसेंगे, ये आपकी याद में तड़पेंगे, परेशान होंगे, लेकिन शायद आप वहाँ नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स यूनिवर्स भी ये चाहती है कि इनको रियलाइजेशन हो ट्रू लव का, इनको एहसास हो आपकी तड़प का, इनको एहसास हो आपकी सच्ची मोहब्बत का। इसीलिए कुछ दिनों के लिए यूनिवर्स ये चाहेगी कि इनको इनकी सजा मिले, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए बेचैन बहुत हैं, लेकिन उनकी बेचैनी को अभी बरकरार रखा जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा, जब तक कि वो पूरी तरह से यूनिवर्स को गिव अप ना कर दें, जब तक कि वो पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर ना कर दें। यहाँ पर मुझे एक फीमेल पार्टनर दिख रही है, कैमरा दिख रहा है। आप लोगों ने हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स गुजारे हैं, आप किसी मॉन्यूमेंट पर गए हों, वहाँ पर आप दोनों ने अपनी बहुत हैप्पी वाली पिक्स निकलवाई हों। तो इनके पास हो सकता है कि वो पिक्स हों जिनको देख देख कर ये रो रहे हैं रातों को, जिन पिक्स को देख देख कर ये आपको फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और मुझे ये विज़न आ रहा है कि ये इस आपकी पिक्चर को जूम करके, आपकी पिक्चर को जूम करके आपके फेस पर जैसे फिंगर्स फेर रहे हैं, जैसे ये आपको फील कर रहे हैं, आपके स्किन को फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर विज़न आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप आपको आंसर्स मिले हों यहाँ से फ्रेंड्स, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है फ्रेंड्स। अभी उनकी तरफ से इंट्यूटिवली जो मैसेजेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो अब मैं रीड करती हूँ। कैंडल को रखती हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें हमारी व्यूअर्स के पार्टनर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अ किंग ओनली बोज डाउन टू हिज क्वीन। तो किंग हमेशा अपनी क्वीन के लिए ही अपने सिर को झुकाता है, उनका पहला मैसेज है ये। फेट ब्रॉट अस टुगेदर, तो किस्मत आप दोनों को साथ लेकर आई है। यू आर ऑलवेज इन माई हेड एंड हार्ट, तो आप हमेशा उनके दिल और दिमाग में रहती हो। दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है लोगों का, पता है, दिमाग से कुछ ज़्यादा सोचते हैं। दिल कहता है कि ऐसा है, वो आपसे प्यार करती है। दिमाग कहता है अगर प्यार करती है तो उसे ये वाला एग्ज़ाम्स मेरे लिए देना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम्स लेने के चक्कर में ना
जो एग्ज़ाम देने आता है ना उसी को ये भगा देते हैं। आई वॉन्ट अ चेंज मी नाउ फॉर द बेस्ट, आई वॉन्ट अ चेंज मी नाउ फॉर द बेस्ट। तो खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। मुझसे दूर कभी मत जाना, आपसे कह रहे हैं कि मुझसे दूर कभी मत जाना। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन इन माई हार्ट ऑल द टाइम। तो आप दोनों का जो कन्वर्सेशन होता है इसको यो रिपीट कर करके देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या आंसर दिया, ये वो बार बार रिपीट करते हैं अपने माइंड में। आई रियली लव यू, वॉट मोर कैन आई से। आई रियली लव यू, वॉट मोर कैन आई से। ये जो स्क्रॉल वाले होते हैं ना मैसेजेस, इनको मैं सीधा नहीं कर पाती हूँ, ये ऐसे ही गोल हो जाते हैं। वक्त का इंतज़ार कीजिए, मुलाकात हमसे ही होगी। ये वाला मैसेज आज फर्स्ट टाइम खुल रहा है, चेक करते हैं इसमें आखिर क्या बात है, क्या छुपा हुआ है इसमें। आई स्टिल लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। वाओ, आई स्टिल लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, दूर हैं तो क्या हुआ। डोंट इग्नोर मी, लव मी बैक लाइक यू मीन इट। तो जैसे आप उनको पहले प्यार करती थी, वो चाहते हैं वैसे ही करें, उनको इग्नोर ना करें, उनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको कुछ आंसर्स मिले हों, क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और अगर आप चैनल मैसेज सॉन्ग्स भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की ओर से आपको चैनल सॉन्ग भी मिलें, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उनकी ओर से इंट्यूटिवली मैसेज सॉन्ग्स भी लेकर आऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू इस परिवार को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, बिग करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।